खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त स्पीड न्यूज का है, चलिए खबरों को आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। सोनिया गांधी छोड़ेंगी कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष पद। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने कहा कांग्रेस को नया अध्यक्ष चुनना चाहिए। कल होने वाली है CWC की बैठक। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का एक साल का कार्यकाल हो रहा है पूरा। राजस्थान में अपराधों की भरमार, कुछ नहीं कर रही सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कांग्रेस पर करारा प्रहार। विवादा खिलाफ सरकार, आपसी लड़ाई में जनता को डाला मुसीबत में। नड्डा के वाद पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का पलटवार। मोदी सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। महंगाई और काले धन का क्या हुआ? जब कोरोना चरम पर था तो बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में लगी थी। राजस्थान में बीजेपी की फूट आई सामने। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नागरिक के रूप में तैयार करें। भरतपुर में महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बोले गवर्नर कलराज मिश्र। कैंपस टास्क फोर्स और गोद लिए गांव में विकास के लिए की विश्वविद्यालय की तारीफ। बसपा विधायक के विलय मामले में फैसला सोमवार को। राजस्थान हाईकोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला। BSP और विधायक मदन दिलावर की याचिका पर आएगा फैसला। स्पीकर के 18 सितंबर 2019 के आदेश को दी गई है चुनौती। बारा से पार्वती नदी के तेज बहाव में बाहर रेस्क्यू टीम के जवान, दोनों जवानों को किया रेस्क्यू। झालावाड़ के खामखेड़ा में टापू पर फंसे युवक को 3 घंटे बाद बाहर निकाला। मेवाड़ और हाड़ौती में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। बांध छल के, नदियां उफान पर, मेघ कहीं मेहरबानी तो कहीं बने परेशानी। ISIS के आतंकी से बड़े मॉड्यूल का खुलासा। बलरामपुर में आतंकी यूसुफ के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। कई और ठिकानों पर छापेमारी जारी। सुशांत राजपूत केस में CBI की जांच जारी। DRDO गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ। आज ही रिया चक्रवर्ती से भी हो सकती है पूछताछ। सोशल मीडिया पर छाया PM मोदी का प्रकृति प्रेम। प्रधानमंत्री आवास पर मोदी संग मोर की तस्वीरें आई सामने। मोदी ने मोर को दाना खिलाते इंस्टाग्राम पर साझा किया वीडियो। सुप्रीम कोर्ट ने किया ऐतिहासिक काम। महज 100 दिनों में की 15,000 से ज्यादा केसों की सुनवाई। 4,350 मामलों में सुनाया आखिरी फैसला। कोटा वन मंडल के गादिया गांव में वन विभाग की टीम ने 40 फीट गहरे कुएं में गिरे नीलगाय का रेस्क्यू किया। खेत में बने कुएं में ये नीलगाय गिर गई थी, जिसे 5 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। जैसलमेर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चलाए जा रहे पौधारोपण महाअभियान के तहत जिला क्रिकेट मैदान में पौधारोपण किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार के निर्देशन में पौधे लगाए गए। झालावाड़ के खामखेड़ा थाना क्षेत्र में बकरियों को बचाने के चक्कर में युवक टापू पर फंस गया। करीब 3 घंटे बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम की मदद से उसे बाहर निकाला गया। राज्यसभा सांसद नीरज जांगी का उड़वारिया टोल प्लाजा के पास अग्रवाल युवा मंडल द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अग्रवाल समाज अध्यक्ष रामलाल बंसल ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद राज्यसभा सांसद नीरज जांगी आबू रोड के लिए रवाना हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा कहे जाने वाला बाड़मेर जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है। जिले के सरकापार निवासी गीता कुमारी का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। शिक्षा विभाग भारत सरकार की ओर से देश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह स्थित बाबा फरीद का चिल्ला सोमवार को खोला जाएगा। ये चिल्ला साल में एक बार मुहर्रम के दौरान ही 72 घंटे के लिए खोला जाता है, लेकिन इस बार आम जायरीन चिल्ले की जियारत नहीं कर सकेंगे। कोरोना के चलते दरगाह आम जायरीनों के लिए बंद है। लॉकडाउन के दौरान कुछ दिनों की शांति के बाद पिछले 8 दिनों से पेट्रोल तेजी से 90 के नजदीक पहुंच गया है। पिछले 8 दिन में पेट्रोल प्रति लीटर 99 पैसे की वृद्धि हुई है, जिसके चलते आज पेट्रोल 88.64 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में वृक्षारोपण अभियान का समापन समारोह न्यायाधीश संगीत लोढ़ा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस दौरान जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस विजय विश्नोई, जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटे, जस्टिस मनोज कुमार गर्ग, जस्टिस अरुण भंसाली, जस्टिस प्रभा शर्मा भी मौजूद रहे।
देसुरी पंचायत समिति के नाड़ोल ग्राम पंचायत के सरपंच फूल कंवर के निर्देशानुसार गांव में राजकीय विद्यालय के आम रास्ते पर पड़े मलबे को हटाया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने सरपंच फूल कंवर का आभार जताया। जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत कोलू राठौड़ा का निर्माण कार्य राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर रोक के बाद भी चल रहा है। पिछली सरकार के समय नवीन पंचायत बनी थी, जब से भवन निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कस्बा संपूर्ण बंद रहा। कस्बे की आवश्यक सेवाओं को छोड़कर संपूर्ण बाजार बंद रहे। पिछले तीन दिनों से सिरोही जिले में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते सिरोही जिले के तीन बांधों सहित नक्की झील पर चादर चलना शुरू हो गई है। माउंट आबू की विश्व प्रसिद्ध नक्की झील लबालब होकर ओवरफ्लो हो रही है, तो वहीं आबू रोड तहसील क्षेत्र का चिनार बांध भी छलक गया। सेपऊ में ताजिया इंतजामिया कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद मुस्लिम लोगों ने ताजिया मुहर्रम के जुलूस को लेकर चर्चा की। कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार मुहर्रम का जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी। पाली के सादड़ी थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की और गांजे की खेती करने के आरोपी गोविंद दुहार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अलवर के किशनगढ़ बास में नन्हे बालक अर्णव नरूका ने गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर गणपति की पेंटिंग बनाई, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। गणपति बप्पा की पेंटिंग की सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है। अजमेर में आरपीएससी के तत्वाधान में मूल्यांकन अधिकारी और उप समादेष्टा समीक्षा परीक्षा 2020 का आयोजन किया गया। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 से जुड़े निर्देशों की पालना के तहत ही प्रवेश दिया गया। आर्य समाज मंदिर मेड़ता और रिया बड़ी में विश्व कल्याण और कोरोना खात्मे के लिए वैदिक अग्निहोत्र यज्ञ किया गया। आर्य समाज मेड़ता प्रधान जवाहरलाल वैष्णव ने बताया, यज्ञ में वैदिक ऋचाओं और मंत्रों सहित आहुतियां देकर विश्व शांति की प्रार्थना की गई। मेड़ता निवासी महेंद्र टाक का पर्स रास्ते में कहीं गिर गया। ये पर्स उधर से गुजर रहे समाज सेवी जितेंद्र उपाध्याय को मिला, तो उसमें मौजूद फोटो और ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर उपाध्याय ने महेंद्र टाक को रुपयों सहित पर्स वापस लौटाया। अजमेर के नारेली गांव में कुएं के अंदर एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर सिविल डिफेंस एनडीआरएफ और अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को बाहर निकालकर जेएलएन अस्पताल के चीर घर में रखवा दिया गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी। पिड़ावा क्षेत्र में चमली बांध में झमाझम बारिश से पानी की जमकर आवक हो रही है। चमली बांध पर 116 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में बांध में 1 मीटर पानी की आवक हुई, जिससे बांध का जलस्तर 353 मीटर हो गया है। जोधपुर में किशन लाल प्रजापत की स्मृति में खेमे का कुआं स्थित सरकारी स्कूल पौधारोपण किया गया। इस दौरान 50 पौधे लगाए गए। समाज सेवी भैरू प्रजापत और अनिल प्रजापत ने कहा, पौधे लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर भादवी गुड़ा के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर गोगुंदा पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सभी लोगों को कार से बाहर निकाला गया। घायलों का गोगुंदा सीएचसी में इलाज जारी है। मेड़ता सिटी में मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस के साथ गोस्वामी समाज मेड़ता की बैठक जैतारण रोड स्थित आनंद कुटिया में आयोजित की गई। बैठक में दशनाम गोस्वामी नवयुग मंडल मेड़ता के कार्यकारिणी के चुनाव कराए गए, जिसमें नवयुग मंडल दशनाम गोस्वामी समाज मेड़ता का अध्यक्ष सुनील पुरी को बनाया गया। रामदेवरा में 260 किलोमीटर का लंबा सफर महज 6 दिनों में पूरा करके 10 श्रद्धालुओं के साथ आई बालिका राधिका पुरोहित ने रामदेवरा में आ रहे श्रद्धालुओं को मुंह पर मास्क लगाने की अपील की, साथ ही हाथों को सैनिटाइज करके कोरोना से बचने के लिए भी जागरूक किया। किसानों की मांगों के समर्थन में जोधपुर जिले का तिवरी कस्बा भाजपा के आह्वान पर बंद रहा, जिससे सड़कें और बाजार सूने नजर आए। कोटा जिले के इटावा नगर में स्थित ग्राम न्यायालय में ऑनलाइन अदालत का आयोजन किया गया, जहां मजिस्ट्रेट अजय मीणा ने 37 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया, जिसमें 20 भरण पोषण और 17 मामले चेक अनादरण के आपसी समझाइश से निपटाए गए। रैणी कस्बे के वन खंडी महादेव मंदिर परिसर में रामेश्वरानंद महाराज के सानिध्य में पूजा अर्चना कर वट वृक्ष लगाया गया। इस दौरान पंडित जगदीश शर्मा, संतोष बोहरा, मुकेश सैनी, कार्तिक लवानिया, वंश लवानिया, गब्बर शर्मा मौजूद रहे। बारा से गुजरता नेशनल हाईवे 27 दुर्दशा का शिकार हो रहा है, जहां जगह जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं जो हादसे को न्योता दे रहे हैं।
जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन प्रशासन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मुंडवा तहसील के गांव खुड़खुड़ा खला में गोचर अंगूर आदि की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों द्वारा बार बार मांग उठाई जा रही है लेकिन प्रशासन अतिक्रमण नहीं हटा रहा, इससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उप सरपंच ने अतिक्रमण हटाने की मांग की है। तिमरी के मथानिया में शहीद रामचंद्र मेघवाल युवा संगठन के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन बाबा रामदेव परिसर में हुआ। संगठन अध्यक्ष दशरथ कड़ेला ने बताया कि शिविर में 50 यूनिट रक्तदान हुआ है जिससे उम्मेद ब्लड बैंक द्वारा एकत्रित किया गया। सायला थाना क्षेत्र के जीवाणा गांव में एक निर्माणाधीन मकान के टांके में युवक ने कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया और मामले की जांच में जुट गई। अलवर के खैरथल नगर पालिका में शुभम गुप्ता को अधिशासी अधिकारी लगाया गया। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निमका थाना नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शुभम गुप्ता को पदस्थापित किया गया है। भारतीय किसान संघ के संभाग आंदोलन प्रमुख तुलछाराम सिंवर और लोहावट तहसील अध्यक्ष पारसमल खीचड़ के नेतृत्व में लोहावट तहसील के सभी किसानों की बैठक आयोजित हुई जिसमें 25 अगस्त को जोधपुर में डिस्कॉम के कार्यालय के घेराव करने का निर्णय लिया गया। मांडलगढ़ में किसानों की फसलों पर सुअर का आतंक है। लाडपुरा ग्राम पंचायत में अलग अलग खेतों में लगभग 5 बीघा जमीन पर पक्की पकाई फसल को बर्बाद कर दिया। किसानों ने ग्राम पंचायत से मांग की है कि इन सुअरों को जल्दी से पकड़ने का प्रयास करें। अलवर के खैरथल में नया राजकीय महाविद्यालय जल्दी खुलेगा क्योंकि कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की संयुक्त निदेशक डॉक्टर दीपाली भार्गव ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। इसे लेकर नवीन महाविद्यालय के संचालन के लिए विभाग अस्थायी भवन तलाश रहा है क्योंकि महाविद्यालय के भवन को तैयार करने में समय लगेगा। हिंदू जागरण मंच पाली विभाग संयोजक को सोशल मीडिया पर सर काटने की धमकी मिलने के बाद हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इस मामले में कई हिंदुवादी संगठनों समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक के नाम CI रविंद्र सिंह खींची को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुष्कर सरोवर में डूबने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस की मदद से शव को सरोवर से बाहर निकाला गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए पुष्कर अस्पताल भिजवाया गया और मामले की जांच में पुलिस जुटी। सेपो में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ। प्रथम सत्र प्रस्तावित सत्र रहा जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने अपना परिचय दिया। अलग अलग 4 सत्र आयोजित किए गए जिसमें अभिनव सिंह और पूर्व जिला सह संयोजक ब्रजेश बघेला ने विद्यार्थी परिषद को रीति नीति के बारे में अवगत कराया। अखलेरा ग्राम पंचायत में पहाड़ों से आया बारिश का पानी घरों में घुस गया। वहीं खेतों में गेहूं की फसल थी वो भी पानी में डूब गई जिससे किसानों और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उदयपुर जिले के मेवल क्षेत्र में 24 घंटे में झमाझम बारिश से जयसमंद की सहायक नदियों में जबरदस्त पानी की आवक हो रही है। 9 नदी 99 नालों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। थाना गाजी समीपवर्ती भृतहरी और पांडुपोल धाम पर 24 से 28 अगस्त तक कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मेले निरस्त किए गए हैं। इसके बाद भी हजारों की संख्या में बाबा के धाम पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। थाना गाजी पुलिस के द्वारा थैंक यू बोर्ड के ऊपर भृतहरी और पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं पर रोक लगा दी गई है। उदयपुर सलुम्बर मेगा हाईवे पर सड़क हादसा हुआ जिसमें केवड़े की नाल में मार्बल ब्लॉक से भरा ट्रेलर बीच सड़क पर पलटा। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन 2 किलोमीटर दोनों ओर जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। सरदार शहर में 10 अगस्त को एक पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लूट की वारदात में 50 लोग शामिल थे जिनमें 2 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा ने अपने कार्यकाल के लगभग 150 अधिकारियों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया। चिकित्सा दल के संभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर में सभी के सैंपल लिए गए। बूंदी तारागढ़ फोर्ट में स्थित चित्रशाला के चित्र विभाग की लापरवाही के चलते धूमिल होते जा रहे हैं। ये चित्र शैली धीरे धीरे दम तोड़ने के कगार पर है। विभाग द्वारा समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। विधायक मुरारी लाल मीणा की शिक्षा गुणवत्ता की पहल की है विधायक ने। इसके तहत गुरु शिष्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें टॉपर स्कूल और स्टूडेंट्स का सम्मान किया गया। इस दौरान विधायक मुरारी लाल मीणा, कलेक्टर पीयूष समरिया, CDEO घनश्याम मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। 2 दिन से लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश के चलते घाटौल उपखंड क्षेत्र के सभी नदी नाले और तालाब उफान पर हैं। इसके चलते घाटौल उपखंड मुख्यालय से घाटौल गनोड़ा रोड, पड़ोली राठौड़,
ओडवाड़िया सहित कई गांवों का संपर्क कट गया है। फलौदी में भारतीय किसान संघ के आंदोलन के तहत किसानों का धरना 20वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने एका चौराहे स्थित फ्लाईओवर के पास नारेबाजी की और राज्य सरकार के प्रति रोष जताया। राजसमंद के भीम कस्बे के बरकू इलाके में युवक का संदिग्ध शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची भीम थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया और शव को भीम चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू की। डूंगरपुर जिले में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जिले के साबला उपखंड क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से नदियों में पानी की भारी आवक होने से यहां बेणेश्वर धाम टापू बना हुआ है। वहीं कई तालाब लबालब होकर ओवरफ्लो हो रहे हैं। नागौर शहर में जारी लॉकडाउन के दौरान दुकानदार से बाइक सवार युवक द्वारा पैसे छीनने का मामला सामने आया। लोहारपुरा इलाके में दिन दहाड़े नकाबपोश बाइक सवार युवक ने दुकानदार के हाथ से करीब 5000 रुपए छीनकर फरार हुआ। पुलिस ने मौके से आरोपी के हाथ से छूटी हुई बाइक को जब्त कर लिया है। रायपुर क्षेत्र में अच्छी बारिश होने और मध्य प्रदेश के नलखेड़ा के समीप बने कुंडलिया डैम के गेट खोलने से कस्बे के समीप बहने वाली काली सिंध नदी उफान पर है, जिसे देखने के लिए बगानी पुलिया पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अलवर में सभी बाजारों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिससे सभी बाजार खुल गए लेकिन सोमवार को बंद रहेंगे। इस बीच कोतवाली थाना पुलिस की ओर से चूड़ी मार्केट में गाइडलाइंस की पालना नहीं करने वालों के चालान भी काटे गए। एएसपी एडीएम सिटी सीओ सिटी ने सेवर सेंट्रल जेल में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान अलग अलग बैरक से 4 मोबाइल मिले। इस संबंध में सेवर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आमेर थाना पुलिस ने 2 नकबजनों को गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर चोरों को रानी बाग रिसोर्ट से हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरों से 2 LED भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, जहां 52 नए और पॉजिटिव केस सामने आए। इसे मिलाकर कोटा जिले में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या 4600 के पार पहुंच गई है। चित्तौड़गढ़ में महिलाओं ने मंदिरों में ऋषि पंचमी की पूजा की। सप्त ऋषियों की तस्वीर लगाकर महिलाओं ने पौराणिक कथा सुनी और मंदिरों में सप्त ऋषियों की पूजा के साथ ही वर्ष भर की गई गालियों के लिए भी माफी मांगी। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर दूसरे दिन भी लॉकडाउन रहा। इस दौरान एडीएम प्रशासन मुकेश कलाल ने शहर के मुख्य बाजारों का दौरा किया और लॉकडाउन के हालातों का जायजा लिया। ऋषि पंचमी के अवसर पर जोधपुर में विप्र समाज की महिलाओं की ओर से पवित्र सरोवर पदम सर में दिवंगत पूर्वजों को तर्पण किया गया। महिलाओं ने तर्पण कर मोक्ष की कामना के साथ ही परंपरा अनुसार भोग लगाकर व्रत खोला। उदयपुर जिले के मुंडावली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक छप्पर पोष मकान ढह गया। वहीं बिजली गिरने से 2 महिलाओं सहित एक युवक घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए गोगुंदा हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। जयपुर के रेनवाल थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से 2 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया है। नसीराबाद में केकड़ी थडौली के पास बीसलपुर की पाइपलाइन टूट जाने के कारण जलदाय विभाग द्वारा छावनी परिषद में पानी की सप्लाई नहीं की, जिसे कस्बेवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सदर पुलिस हनुमानगढ़ ने अवैध हथियार बनाने की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 1 एयरगन, 1 जिंदा कारतूस, 1 खाली कारतूस, देसी पिस्टल की 3 बैरल, 3 ट्रिगर सहित पिस्तौल बनाने वाले उपकरण भी जब्त किए हैं। कोटा में अपना घर आश्रम संस्थान के प्रयासों की बदौलत 9 महीने बाद 70 वर्षीय प्रभुलाल की घर वापसी भी। संस्था द्वारा कागजी कार्यवाही को पूरा करवाकर प्रभुलाल को परिवार के पास भेजा गया। तो चलिए एक बार फिर से आपको खबरों को दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। झुंझुनू के बिसाऊ में 3 दिन पहले एक पेट्रोल पंप पर हुए बवाल का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे कुछ उपद्रवियों ने पेट्रोल पंप पर बवाल किया था। वहीं पेट्रोल पंप मालिक ने बताया उसने घटना की पुलिस को रिपोर्ट दी, लेकिन अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई। हनुमानगढ़ में कोरोना को लेकर सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। यहां पशु मेले का आयोजन किया गया और मेले में किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई। जयपुर के कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा को स्वच्छ बनाने का बेड़ा वहां कार्यरत कर्मचारियों ने उठाया, जिसके तहत संस्थान के सभी कर्मचारियों ने दुर्गापुरा फार्म पर मौजूद जंगली घास और घास को हटाया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश सिकराई के दौरे पर रही। इस दौरान गुमानपुरा गांव में उन्होंने पूर्व सरपंच स्वर्गीय
नानक राम मीणा की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके एक स्मारक का अनावरण भी किया। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयास रंग ला रहे हैं। दौसा ब्लॉक के 19 सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत आए। दौसा के बेहतर परिणाम हासिल करने वाले स्कूलों के शिक्षकों और छात्र छात्राओं को अब सम्मानित किया गया है। आमेर थाना इलाके में देर रात चोर ने सुने मकान के ताले तोड़कर आभूषण और नकदी चुराए। आमेर के ठाठर रोड स्थित साधु राम स्वामी के मकान में चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डिगाना सहित ग्रामीण अंचल में ऋषि पंचमी का पर्व मनाया गया। ऋषि पंचमी के पर्व पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी और रक्षा सूत्र बांधा। वहीं भाइयों ने श्रीफल लेकर बहनों की रक्षा करने का वचन दिया। झालावाड़ जिले में काली सिंध और आहू नदी में आए उफान से गागरोन स्थित पुलिया पर 5 फीट पानी होने से गागरोन दरगाह जा रहे जायरीन फंस गए। वहीं आधा दर्जन गांवों का रास्ता बंद हो गया। इसके बावजूद कुछ ग्रामीण जान खतरे में डालकर पुलिया पर पार कर रहे हैं। मसूदा के खिराब गांव में खेतों में खड़ी फसल से जानवरों से बचाने के दौरान 2 बच्चों को सांप ने डस लिया। परिजन उन्हें इलाज के लिए राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे। करौली जिले में हेड कांस्टेबल से एएसआई पदोन्नति, लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। रामदेवरा ग्राम पंचायत के राजस्व मावा गांव में एक किसान के खेत में से निकल रही इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पाइपलाइन लीकेज हो गई, जिससे हजारों लीटर पानी खेत में जमा होने से 10 बीघा जमीन की फसल खराब हो गई। जोधपुर शहर के राजीव गांधी थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए। धौलपुर जिले में लगने वाला पौराणिक मच्छकुंड का 2 दिवसीय मेला इस बार कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गया। वहीं ऋषि पंचमी के अवसर पर आयोजित होने वाले मेले के आयोजन पर भी पाबंदी लगी है। डूंगरपुर जिले के घटाऊ गांव में उप सरपंच ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। अजमेर में अलवर गेट थाना पुलिस ने पीपली बालाजी के पास पीटा एक्ट की कार्रवाई को अंजाम दिया और अशोक चतुर्वेदी के मकान में चल रहे जिसमें फरोशी का धंधा पकड़ा। राजसमंद जिले के भीम और आमेट में 2 संदिग्ध लाश मिलने से कानून व्यवस्था की पोल खुल गई। भीम कस्बे में एक युवक की खून से सनी संदिग्ध अवस्था में लाश मिली, तो वहीं आमेट के एक गेस्ट हाउस में एक महिला का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। ब्यावर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और एक दुकान पर दबिश देकर अवैध नकली शराब की खेप पकड़ी। टीम ने मौके से एक डीप फ्रिज और बियर भी जब्त की है। सीकर जिले में लगातार कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं चिकित्सा विभाग सर्वे और सैंपलिंग के कार्य में जुटा हुआ है। जिले में अब तक करीब 2500 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सुल्ताना में पुलिस चौकी के पास विनोद कुमार की संदिग्ध मौत के बाद डॉग स्क्वाड द्वारा खून से सने हुए महिला के कपड़े घर से ढूंढ निकाले गए हैं। बीकानेर में नगर निगम और यूआईटी ने संयुक्त अभियान के तहत अतिक्रमण हटाए। गोगासर से रामरतन सर्किल तक सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाए गए। हिल स्टेशन माउंट आबू इन दिनों कश्मीर बना हुआ है। यहाँ पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते मौसम सुहाना हो गया है। सिकराई के गंडरावा गांव में पूर्व सरपंच खेमराज मीणा ने अपने पिताजी पूर्व सरपंच बाबूलाल मीणा की द्वितीय पुण्यतिथि पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। जोधपुर में कालीबेरी में डंपर और ट्रेलर की भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोगों को चोटें आई। सूचना पर पहुंची सुरसागर पुलिस ने मौके का जायजा लिया। हरनावदा शाहजी कस्बे में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते चिकित्सा विभाग की टीम ने कोरोना संक्रमित महिला के करीबी 9 लोगों के सैंपल लिए हैं। किशनगंज जिला के बहादुरगंज से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वीडियो कांग्रेसी विधायक तौसीफ आलम के क्षेत्र डोहर पंचायत के भाला टोली महादेव दिधि का है, जिसमें सड़क दुर्घटना में भी मौत के बाद युवक के शव को खाट पर रखकर गांव ले जाया गया। स्पीड न्यूज में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।